हाँ बेटा देखो, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, क्रोमोसोम अक्सर आप पढ़ते हैं, और ये देखा जाए तो अगर आप इसको लैटिन टर्म सीखें तो क्रोमा माने कलर्ड होता है, मतलब क्रोमा माने हुआ कलर्ड। कोई भी चीज अगर कलर्ड है तो उसे हम लोग कलर्ड माने, क्रोमा माने कलर्ड। जैसे आप गूगल क्रोम पढ़ते हैं तो वहां क्रोम का मतलब कलर्ड होता है, और सोमा माने बॉडी होती है, मतलब जब इसे कलर किया गया सोमा माने बॉडी। तो अगर आप इसकी लिटरल मीनिंग देखें तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ कलर्ड बॉडी, जो चीज कलर्ड है जिसे कलर करके देखा जा सकता है उसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। अगर आप देखें तो वाल्डेयर एक साइंटिस्ट हैं, वाल्डेयर फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म, टर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले वाल्डेयर ने एक साइंटिस्ट है वाल्डेयर, जिसने सबसे पहले क्रोमोसोम टर्म का इस्तेमाल किया। आप एक बात समझे, अगर आपने सेल बनाई है ऐसे, और इस सेल के अंदर आपने ऐसे न्यूक्लियस बनाया, इसके अंदर आपने न्यूक्लियोलस बना के फिर ऐसे आपने कर दिया, और आपने लिखा कि सर ये क्रोमेटिन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल है ये इंटरफेज में है। सेल साइकिल अभी आप जब पढ़ेंगे तो उस सेल साइकिल में आप पढ़ेंगे कि सेल साइकिल के दो फेज होते हैं। इस सेल का फेज है इंटरफेज, मतलब या तो ये G1 में है, या तो S में है, या तो G2 में है। अगर इसके लिए लिखा जाए तो देखिए इसके लिए कमेंट क्या है, क्रोमोसोम्स कैन नॉट बी सीन इन इंटरफेज। मतलब अगर आपको इंटरफेज पे क्रोमोसोम कहे कोई देखने के लिए तो आप कहेंगे सर हमको क्रोमोसोम दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो ये क्रोमेटिन है ये अनकंडेंस है, अनकंडेंस फेज में आपको क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ेंगे। दूसरी स्थिति देखिए, अगर आपने इस सेल को ऐसे डिवीजन में भेजा और सेल बनाई और आपने इस सेल के अंदर ऐसे क्रोमोसोम दिखाए, ये देखिए ऐसे आपने क्रोमोसोम दिखा दिए कि भाई इसके अंदर अब क्रोमोसोम बन के तैयार है, तो आप फट से ऐसे यहां सेंट्रोल बना दीजिए, यहां सेंट्रोल बना दीजिए, ऐसे कर दीजिए थोड़ा सा अच्छा लगे, आप जैसे सुंदर सुंदर बन के आते हैं सेंट वगैरह लगा के, ऐसे इसको भी सेंट लगा दीजिए। नीचे लिखिए सेल डिवीजन का ये मेटाफेज है, कौन सा फेज है, मेटाफेज है। तो अगर आपको लिखना हो मेटाफेज स्टेज में, देखिए क्रोमोसोम्स कैन बी इजली सीन ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल डिवीजन के किस फेज में आपको क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे, तो आपको ये जवाब देना है कि भाई देखिए सेल डिवीजन के दौरान ये एक फेज है जिस समय आपको क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं, कौन सा फेज है, मेटाफेज स्टेज है। आपको समझना है ऐसा क्यों है, इसमें क्योंकि ये जो क्रोमेटिन है वो हाईली कंडेंस्ड हो जाता है, क्रोमेटिन तो आपको क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं। अगर आपको यही बात लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए when chromatin get condensed during metaphase stage then they form क्रोमोसोम। मतलब क्रोमेटिन अगर मेटाफेज स्टेज में कंडेंस हो गए तो वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, ये बात आपको सीखनी है। क्रोमेटिन अगर किस फेज में कंडेंस हो गए, मेटाफेज स्टेज में कंडेंस हो गए, तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। तो आपको ये क्रोमोसोम के बारे में ये लाइन याद करनी है, ऐसा इसलिए याद करना है क्योंकि जो आपका मेडिकल का टिकट है जिसे आप NCERT कहते हैं उसमें इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ये बात आपको सीखनी है। तो क्रोमेटिन अगर कंडेंस हो गए तो आपको क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे, ध्यान रखिए किस स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में दिखाई पड़ेंगे। कुछ बेसिक बात आप समझ लें, अगर हम लोग क्रोमोसोम के बारे में ऐसे बेसिक बात करें कि सर देखिए क्रोमोसोम प्लांट एनिमल की क्या कंडीशन है, तो आप ऐसे लिख लीजिए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम लिखने के बाद
आप ऐसे लिखिए एक तरफ कि इनकी प्लांट सेल और ओरिजिनल सेल में क्या स्थिति है, ऐसे लिख लीजिए प्लांट सेल में क्या स्थिति है, और लिख लीजिए एनिमल सेल में क्या स्थिति है, क्या दोनों में क्रोमोसोम एक जैसी है, इनकी सेज से संख्या में साइज में क्या फर्क है। तो प्लांट सेल में अगर आप ध्यान दें तो इनकी साइज बड़ी होती है लेकिन नंबर कम होता है, समझे इस बात को। अगर आप एनिमल सेल में समझे तो इसकी साइज तो छोटी होती है क्रोमोसोम्स की लेकिन नंबर ज्यादा होता है। ये है डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में, मतलब क्रोमोसोम को अगर हम प्लांट सेल एनिमल सेल में कंपेयर करें तो प्लांट सेल में साइज ज्यादा है संख्या कम है, एनिमल सेल में साइज कम संख्या ज्यादा है, मतलब ये रिवर्स है ऐसा। अगर आप कोई ऐसे लिखे यन क्या होता है तो यन माने हैप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आपको ये क्रोमोसोम हमेशा कहां दिखाई पड़ेंगे, ऐसे लिख लीजिए प्रेजेंट इन गैमेट्स, प्रेजेंट इन गैमेट्स, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल्स हो, उनके गैमेट्स में आपको हैप्लॉयड क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे। जैसे अगर आप ह्यूमन का देख लें तो ह्यूमन का क्या लिखते हैं आप, ह्यूमन का लिखते हैं यन बराबर 23, तो यन बराबर 23 कहां पे है, या तो ये स्पर्म में है या तो ये ओबम में है, बोलिए हाँ। मतलब अगर आप यहां बना लें कि भाई ये स्पर्म है, यन बराबर 23 है, एक सेट ये हो गया एक सेट ओबम हो गया, यहां भी यन बराबर 23 है, ये जब दोनों सेट मिल जाते हैं तो आप कहते हैं सर जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो इस जायगोट में टोटल कितने सेट हैं, 23 का एक सेट ये है, 23 का ये सेट है, तो आप इसे ट्विन बराबर 46 कहते हैं। यही जो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसे हम जीनोम कहते हैं, आप ऐसे लिख लें जीनोम क्या है, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा तो जीनोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉयड सेल, ऐसे आप लिख लें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन किस सेल में, आप लिखे फट से सर ये हैप्लॉयड सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या को हम लोग जीनोम कहते हैं। क्लास 12th में आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है। अगर आपको कहीं लिखा रहा है 2n तो इसका मतलब डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड माने डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, देखिए जायगोट में आपको डिप्लॉयड दिख रहा है, डिप्लॉयड दिख रहा है। अगर आप एग्जांपल्स देख लें, ऐसे देख लें एक अमीबा है, इसका नाम आलोकैंथा है, आलोकैंथा है, ये खास तरह का अमीबा है या एनिमल है, आप कह सकते हैं एनिमल है, इसमें सबसे ज्यादा जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यहाँ 2n बराबर 1600 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पूरे एनिमल किंगडम में 1600 क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। प्लांट किंगडम में अगर आप देखा जाए तो एक प्लांट है उसका नाम है ऑफियोब्लॉसम, ये फर्न है मतलब ब्रायोफाइट है, और अगर आप ऑफियोब्लॉसम को देखें तो यहाँ 2n बराबर 1262 क्रोमोसोम है। एक बात आप ध्यान रखें, एक बेसिक बात है, एक प्लांट होता है जिसका नाम ट्रिलियम प्लांट है, ट्रिलियम प्लांट के पास पूरी दुनिया का लार्जेस्ट साइज क्रोमोसोम पाया जाता है, लार्जेस्ट साइज क्रोमोसोम पाया जाता है। तो आपको इतनी बातें इन्फॉर्म कर दिया मैंने, आपको पूरी बात याद रखनी है, ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम प्लांट सेल की साइज कम है संख्या ज्यादा है, एनिमल सेल की साइज कम है तो संख्या ज्यादा है। हैप्लॉयड यन माने क्या होगा, हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम हमेशा गैमेट में होगा, गैमेट में जो होते हैं क्रोमोसोम होते हैं उनको मिला के हम लोग जीनोम कहते हैं। डिप्लॉयड माने क्या हुआ, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, दो सेट है क्रोमोसोम के, और आप देखिए एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम एनिमल किसमें है, आलोकैंथा में 2n बराबर 1600 है, प्लांट किंगडम में ऑफियोब्लॉसम एक प्लांट है जिसमें 2n बराबर 1262 क्रोमोसोम है, ट्रिलियम प्लांट है दुनिया का सबसे बड़ी साइज का क्रोमोसोम इस ट्रिलियम प्लांट के अंदर पाया जाता है। चलो बेटा देखो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखो, जब कभी भी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं तो आपको क्रोमोसोम को ध्यान से इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये स्पीचोबी सेंटर में इसके ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है इस तरह से। तो सबसे पहले जब आप क्रोमोसोम कभी बनाते हैं तो सबसे पहले आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको यहां ले जाके थोड़ा सा नैरो कर देते हैं, फिर इसके ऊपर आप ऐसे बनाते हैं इस तरह से। अब इसकी एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, ऊपर वाली आर्म को क्रोमोसोम के हम लोग पी आर्म कहते हैं, नीचे वाली आर्म को हम लोग क्यू आर्म कहते हैं, इन आर्म्स को हम लोग क्रोमेटिड कहते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्रोमेटिड क्या है, तो अगर आपको क्रोमेटिड लिखना है इसको एक्सप्लेन करना है तो एक लाइन में सिर्फ लिखिए कि क्रोमेटिड्स क्या है, आप लिखिए सर आर्म ऑफ क्रोमोसोम है,
जो क्रोमोसोम है उसके आर्म्स को हम लोग क्रोमेटिड कहते हैं। सबसे पहले आपको ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि ये जो दोनों इसके आर्म्स हैं इसे हम लोग क्रोमेटिड्स कहते हैं। इन आर्म्स का नाम क्या है ये भी लिख लीजिए। एक आर्म है जिसको हम लोग पी आर्म कहते हैं, दूसरी आर्म है जिसे हम लोग क्यू आर्म कहते हैं। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात लिखिए कि क्रोमेटिड जो है इसकी ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को हम लोग पेलाइकल कहते हैं। लिख दीजिए कि ये पहला आपने लिख दिया कि सर ये पहला क्रोमेटिड है, दूसरा लिखिए पेलाइकल क्या है। आप यहां पर लिखिए पेलाइकल क्या है, तो पेलाइकल के बारे में लिखिए कि ये मेम्ब्रेन ऑफ क्रोमोसोम है। मेम्ब्रेन ऑफ क्रोमोसोम मतलब जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन ऑफ क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन को हम लोग पेलाइकल कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसके अंदर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इस आर्म के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इस फ्लूइड को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। आप बिना देर किए ये भी बात लिख दीजिए। तीसरी बात लिखिए कि मैट्रिक्स क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे मैट्रिक्स क्या है तो देखिए ऐसे लिख दीजिए, मैट्रिक्स क्या है, फ्लूइड फिल्ड इनसाइड पेलाइकल। पेलाइकल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड को हम लोग जो है मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखिए तीसरी बात, आर्म उसको क्रोमेटिड कहते हैं और इसके जो मेम्ब्रेन है उसे पेलाइकल कहते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। चौथी बात लिखिए सेंट्रोमियर क्या है। ये देखिए सेंट्रोमियर, आप ध्यान से देखें, सिंपल सी बात है। इस क्रोमोसोम में ये जो बीच का एरिया है यहां वाला जो एरिया है इस एरिया को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर इसी के आधार पर हम लोग क्रोमोसोम की साइज को या उसकी इसी के आधार पर हम क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं। तो सेंट्रोमियर क्या है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। ये जो है हेट्रोक्रोमेटिन का बना हुआ है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, ये हेट्रोक्रोमेटिन का बना हुआ है। एक बात और लिख लें, यहां पर जो डीएनए पड़ा हुआ है इस डीएनए को हम लोग अल्फाइड डीएनए कहते हैं। पता लगा आपसे कोई पूछ ले अल्फाइड डीएनए क्या है, तो फट से जवाब देंगे सर हेट्रोक्रोमेटिन जो है इसे हम लोग अल्फाइड डीएनए कहते हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा, क्रोमेटिड आर्म को कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को पेलाइकल कहते हैं, फ्लूइड जो आपका है मैट्रिक्स कहते हैं, इसमें सेंट्रोमियर है जो सेंट्रोमियर बीचों बीच पड़ा हुआ है। इस सेंट्रोमियर के ठीक ऊपर आप यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर इस जगह पर एक खास तरह का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। ये देखिए आप फट से लिख दें सर ये काइनेटोकोर है। अब जिस पेन से आपने काइनेटोकोर लिखा है उसी पेन से आप इसका एक्सप्लेनेशन कर दें कि सर ये काइनेटोकोर क्या होता है। तो आप यहां पर काइनेटोकोर लिखें, ये कई बार पूछा जाता है और इसके बारे में आपको लिखना है। काइनेटोकोर जो है ये प्रोटीन की डिस्क है, प्रोटीन की डिस्क है, आपको यह ध्यान रखना है। और दूसरी बात ध्यान रखना है ऑलवेज प्रेजेंट, ध्यान रखेंगे शब्द को ऑलवेज प्रेजेंट एट प्राइमरी कॉन्स्टिक्शन। अब देखिए यहां पर एक फट से टर्म आ गया कि प्राइमरी कॉन्स्टिक्शन क्या होता है। तो आप इस क्रोमोसोम को ध्यान से देखें, जब ये क्रोमोसोम यहां से इसे चलता जाता है तो सबसे पहले यहां नैरोइंग होती है इसकी, जहां पर नैरोइंग होती है उसे प्राइमरी कॉन्स्टिक्शन कहते हैं, ये इसका सेकेंडरी कॉन्स्टिक्शन है। तो अगर आप देखें काइनेटोकोर हमेशा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के पास होता है। अगर आपसे इससे कोई पूछे क्या फंक्शन है तो आप बता दीजिए इसका फंक्शन यह है कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड विद ये लिखिए काइनेटोकोर। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप इस बात को इस तरह से समझने का प्रयास करें, इसको आप ऐसे एक फिगर बना लें, इस तरह से यहाँ पे फिगर बना लें, यहाँ पर आप एक सेंट्रियोल दिखाएं, यहाँ पर एक सेंट्रियोल दिखाएं और यहाँ सेंटर में आप एक क्रोमोसोम बना लें इस तरह से, और यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम बना लें। जब आप इसे बना लें और इसके बाद आप इस सेल के अंदर यहाँ पर ऐसे स्पिंडल फाइबर दिखा दें, जब आप स्पिंडल फाइबर दिखाएंगे तो ये जो फाइबर्स हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो माइक्रोट्यूबुल्स के बने हुए हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हमेशा काइनेटोकोर से अटैच होते हैं।
मतलब अगर आपको यहाँ पर ये बात नहीं क्लियर है तो आप यहाँ भी बना सकते हैं कि सर ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के पास ये स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पर इस काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, मतलब स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच हो जाते हैं। और फायदा क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं उनका अलाइनमेंट होता है, चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं हेल्प इन अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर। अलाइनमेंट जैसे आपके यहाँ अगर फोर व्हीलर गाड़ी होती होगी होगी हेल्प इन अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है जिस समय सेल का डिवीजन होता है, हेल्प इन अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जिस समय सेल डिवीजन होता है उस समय क्रोमोसोम का जो अलाइनमेंट होता है वो जो इक्वेटर पे आता है बीचो बीच आके अरेंज होता है, वो काम इन स्पिंडल फाइबर्स का होता है और वो स्पिंडल फाइबर्स इस काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। इसके बाद अगला जो आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है ये आपको पढ़ना है कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या होते हैं। तो कॉन्स्ट्रिक्शंस मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर क्रोमोसोम नैरो हो जाता है उसे कॉन्स्ट्रिक्शंस कहते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शंस आपको दो तरह दिखाई पड़ेंगे, पहला पड़ेगा जिसे हम लोग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन अगर आपको इसको लिखना है तो लिख दीजिए, सिंपल से लिखिए लोकेटेड नियर काइनेटोकोर, जहां काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर है आपको हमेशा यही पर... तो बेटा देखो कॉन्स्ट्रिक्शंस देखा जाए तो कॉन्स्ट्रिक्शंस जो है क्रोमोसोम में दो तरह के हैं। कॉन्स्ट्रिक्शंस वो प्लेसेस हैं क्रोमोसोम पे जहां पर क्रोमोसोम्स नैरो हो जाता है। तो एक तो हमेशा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वो जगह है हमेशा ये वहां पर पाया जाएगा जहां पर सेंट्रोमियर पाया जाता है। तो आपको बहुत सिंपली दिखाना है लोकेटेड नियर सेंट्रोमियर, ऐसे आप सिंपल से लिख दीजिए लोकेटेड नियर सेंट्रोमियर, ये हमेशा सेंट्रोमियर के पास पाया जाता है। देखिए मैंने प्राइमरी सेकेंडरी लिखा भी है आपकी इस ब्लैक बोर्ड पे, ये देखिए ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। अगर आप सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखते हैं, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की संख्या मे बी वन आर मोर, इसकी संख्या हो सकती है एक ही हो, मे बी वन आर मोर, मतलब आपको ये समझना है कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, चाहे आप इसे दिखा दें कि ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऐसे दिखा सकते हैं, इसकी संख्या एक या दो हो सकती है। कभी कभी इसे हम यनोवार कहते हैं, यनोवार मतलब ये हुआ इसे हम लोग न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। ऐसा इसलिए है कि यह जो जगह है अटैच्ड विद न्यूक्लियोलस, ये जो जगह है ये अटैच होती है न्यूक्लियोलस से, इसीलिए हम लोग जो है इसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है। अगली बात आपको ये ध्यान रखना है, इस क्रोमोसोम के अंदर आपको एक खास तरह के ऐसे एक्सटेंडेड आपको फाइल ऐसे दिखी, खास तरह का आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये एक्सटेंडेड फाइबर्स हैं जो क्रोमोसोम के अंदर पड़े हैं। तो अगर आप लिखना हो तो आप यहां लिख दीजिए कि सर ये क्रोमोनिमेटा है, जैसे क्रोमोनिमा भी कहते हैं, ये फैले हुए हैं, एक्सटेंडेड यू क्रोमेटिन है इसके अंदर पड़े हुए हैं एक्सटेंडेड यू क्रोमेटिन। और इनका जो काम है, इनकी दो तरह की कॉइलिंग है, एक कॉइलिंग है इस तरह से डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल की तरह, इसे हम लोग प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग कहते हैं। अगर ये डीएनए की कॉइलिंग की तरह पड़े हैं तो इसे हम लोग प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग कहते हैं, ये वाली तरह। लेकिन अगर ये सेपरेट पड़े हुए हैं, इस तरह से पड़े हुए हैं, तो इसे हम लोग पैरानिमिक कॉइलिंग कहते हैं। मतलब दो तरह की कॉइलिंग दिखाई पड़ती है। मैंने जो फिगर बनाया है उसमें पैरानिमिक कॉइलिंग दिखाई पड़ रही है, दो तरह से दिखाई पड़ेगी, तो इसे क्रोमोनिमेटा कहते हैं। इसके सिवा और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है आपको सीखना है। इसके सिवा अगला जो टर्मिनोलॉजी है क्रोमोसोम के पढ़ने, उसे हम लोग क्रोमोमियर कहते हैं। अगर आपको क्रोमोमियर समझना है तो ये देखिए जो रेड कलर की फाइबर है इसमें खास तरह के बीड लाइक अपियरेंस होती है, यही बीड लाइक अपियरेंस को हम लोग जो है कहते हैं क्या बेटा, ऐसे यहां कहीं लिख दीजिए, इन्हें हम कहते हैं क्या, क्रोमोमियर कहते हैं। अब सिंपली एक लैंग्वेज में लिखिए
कि ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है, बीड लाइक अपियरेंस, बीड लाइक अपियरेंस, बीड लाइक अपियरेंस ऑन, बीड लाइक अपियरेंस ऑन, बीड लाइक अपियरेंस ऑन, आगे एक लाइन और लिख दीजिए, क्रोमोमियर, बीड लाइक अपियरेंस ऑन क्रोमोमियर, क्रोमोमियर मतलब ऐसा सोचिए ये क्रोमेटोमियर है, इसी पर से गांठ जैसे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, इन्हीं गांठ जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोमियर कहते हैं, और जो फाइबर जैसा स्ट्रक्चर उसे क्रोमोमिमेटा कहते हैं। दूसरी बात ध्यान रखें, इसके ऊपर यहां पर एक जगह है, इस जगह को हम लोग सेटेलाइट कहते हैं। क्रोमोसोम में आपको इस तरह से सेटेलाइट देखने को मिलेगा, किसी इंड पर आपको दिखाई पड़ता है, आपकी एनसीईआरटी में बनाया गया है। तो मैं इसके बारे में आपको सिखा दूं कि सेटेलाइट क्या है, आप यहां लिखिए सेटेलाइट, आप एनसीईआरटी में देखिएगा चार सेट बने जिसमें तीन दिखाया गया, एक नहीं दिखाया गया है। तो सेटेलाइट पहले मैं आपको लिख दूं क्योंकि ये एनसीईआरटी में, इसलिए आपको आना चाहिए। तो सेटेलाइट प्रेजेंट आफ्टर सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, प्रेजेंट आफ्टर सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन, जहां पर भी सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उसके बाद आपको सेटेलाइट दिखाई पड़ेगा। ये देखिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर आपको सेटेलाइट दिखाई पड़ेगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जिन क्रोमोसोम्स में सेटेलाइट पाया जाता है, ऐसे क्रोमोसोम्स को लोग सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं, सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। आप यहां नाम लिख दीजिए कौन कौन से क्रोमोसोम है, 13 नंबर का, 14 नंबर का, 15 नंबर का, 21 नंबर का और 22 नंबर का, ये पांच सेट है क्रोमोसोम में जहां पर सेटेलाइट पाया जाता है, उन सारे क्रोमोसोम को हम लोग सेट क्रोमोसोम कहते हैं। अंतिम बात चलते चलते हम लोग यहां पर निपटा देते हैं इसको, ये जगह है जिसे हम लोग टीलोमियर कहते हैं, ये टीलोमियर है क्रोमोमियर के इंड पर। तो अगर आपको लिखना है तो आप इसे यहां लिख लीजिए, सर ये टीलोमियर है, ये ऐसे यहां पर टीलोमियर लिखिए लिखिए। अगर लोकेशन लिखना है तो आप लिखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ क्रोमोमियर, जहां पर क्रोमोमियर खत्म होता है, क्रोमोमिमेटा खत्म होता है सॉरी, वहां पर आपको टीलोमियर दिखाई पड़ेगी। ये देखिए एनसीईआरटी ने इसकी कोई खास चर्चा नहीं की है, लेकिन आपको आना चाहिए। यहां पर एक खास तरह की एंजाइम है जिसे हम लोग टीलोमेरेज एंजाइम कहते हैं, टीलोमेरेज एंजाइम पाया जाता है, टीलोमेरेज एंजाइम पाया जाता है। आपको मैं ये बता दूं, ये जगह जो है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, हम लोग जो बूढ़े होते हैं, ये हर आदमी समझ सकता है, मतलब आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पर जो कैमरा है वो सूरज चला रहे हैं, और सूरज भी ये बात समझ सकते हैं कि अगर ये टीलोमियर उम्र बढ़ने के साथ कमजोर हो जाता है, थिन होता जाता है, तो इससे व्यक्ति को बुढ़ापा आता है। टीलोमियर जो होता है एजिंग के लिए जिम्मेदार है। और आपको एक बात और याद रखना है बेटा, ये जो होता है ये ग्वानिन रिच एरिया है, मतलब आपको यहाँ पर इसके अंदर आपको ढेर सारे ग्वानिन के मटेरियल दिखाई पड़ेंगे इस टीलोमियर के पास। तो अब आपको टोटल इस तरह से पढ़ना है क्रोमोसोम, अगर ये क्रोमोसोम ऐसे ना रह के आपको ऐसा दिखाई पड़े, इस तरह से दिखाई पड़े, तो इनकी आर्म्स को क्योंकि स्प्लिट कर गए, इसे हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछे सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, तो जैसे किसी ने एक चोटी बना रखी है तो वो क्रोमेटिड है, लेकिन अगर उसने दो अलग अलग चोटी बना रखी है तो सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन अभी आप ये देखिए कि ये क्रोमोसोम है, मान लीजिए टर्म है जो आपको काम देगा, मान लीजिए 13 नंबर का है, ये क्रोमोसोम है जो 14 नंबर का है, आप देखिए इसका नाम ले दीजिए, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। तो पी और क्यू तो सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये और ये क्या है, मतलब क्यू और आर क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। इसी बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो बच्चे आपके घर पे हों, आपके दो घर में कोई बच्चे छोटे छोटे हों, दोनों की अलग अलग चोटी मिला के आप पकड़ के इसे कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन एक सिर में दो चोटियां पकड़ के आप कहते हैं तो किसी क्रोमेटिड्स हैं, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो एक क्रोमोसोम की दो आर्म्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन दो अलग अलग क्रोमोसोम की आर्म्स को हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, इसका ध्यान रखना। बेटा देखो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हम लोग देखते हैं, पहला क्रोमोसोम देखिए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ये पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर है। तो अगर आप देखें तो यहां पर सेंट्रोमियर जो होता है, आप एनसीईआरटी में इसको मिलाएंगे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेंट्रोमियर लोकेटेड लोकेटेड एट सेंटर ऑफ बोथ क्रोमेटिड्स, एट सेंटर ऑफ बोथ क्रोमेटिड्स, मतलब अगर आपको एनसीईआरटी में इसका फिगर देखना हो तो आप एनसीईआरटी का फिगर देख लें। अगर आपने यहां बीच में सेंट्रोमियर बनाया और आपने ये दो आर्म बनाई ऐसे इस तरह से,
ये भी दोनों आर्म बनाई, तो ये जो सेंट्रोमियर है इन दोनों आर्म के सेम बीचों बीच होता है। इस आर्म का नाम क्या है आपको मैंने बताया, ये पी आर्म है और ये क्यू आर्म है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पर 60 लांग कुछ इनका है, दोनों आर्म्स बराबर हैं। अगर आप इनका आर्म रेशियो देखेंगे, आर्म रेशियो कैसे देखा जाता है, अगर आप मेरे हाथ को देखें तो मेरे हाथ दोनों की लंबाई तो सेम है ना यार, जितना ये है इतना ये है, तो इसके लिए तो ये हालत है दोनों आर्म सेम है। जो सेंट्रोमियर है वो बीचों बीच पड़ा हुआ है, तो सेंट्रोमियर जब बीचों बीच पड़ा होगा तो इसका आर्म रेशियो 1:1 होता है, पहला हो गया। दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये दूसरा तरह का एक क्रोमोसोम है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये दूसरा टाइप का क्रोमोसोम है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर आप इसका टाइप देखते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम देख लें, तो ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, ये इसके एक आर्म है, और इसके कंपेरिजन में ये आर्म थोड़ी सी छोटी होती है। मतलब अगर आप इसकी लोकेशन लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, सेंट्रोमियर लोकेटेड स्लाइट अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ क्रोमेटिड्स। मतलब जो क्रोमेटिड्स हैं उनके सेंटर से थोड़ा सा ये बाहर होता है। इसमें एक आर्म लॉन्ग होगी, मान लीजिए ये 60 आर्म होगी, छोटी आर्म होगी, ये 60 आर्म होगी, इसके कंपेरिजन में ये लॉन्ग आर्म होगी, लेकिन बहुत थोड़ी सी लंबी होगी। मतलब अगर आप इसको समझना हो तो मेरे हाथ की उंगलियां अगर काट दी जाए तो यहां बड़ा होगा, यहां थोड़ा सा छोटा होगा। अगर आप इसका शेप देखना चाहते हैं तो ये जो क्रोमोसोम है ये वी शेप्ड होता है। देख लीजिए, वी शेप मतलब क्या हुआ, वी की एक खास बात होती है कि वी की दोनों आर्म बराबर होती है, वी जो होता है इससे दोनों आर्म बराबर होती है। लेकिन इससे क्रोमोसोम को देखें तो ये क्रोमोसोम जो होता है यल शेप्ड होता है। यल की खास बात होती है कि उसकी एक आर्म छोटी होती है और एक आर्म बड़ी होती है, ध्यान रखना है आपको। इसका जो तीसरा टाइप है उसे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, ये तीसरा टाइप है एनसीईआरटी में इसका तीसरा टाइप लिखा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सिंपल से लिखिए, यहां पर देखिए ऐसे आप क्रोमोसोम बनाइए, एक आर्म इसकी बड़ी कर दीजिए, इसकी कंपेरिजन में दूसरी आर्म छोटी कर दीजिए। अगर आपको लिखना है तो ये इसका सेंट्रोमियर है, तो साफ साफ लिखिए वन आर्म इज लार्जर देन अदर। एक आर्म बड़ी है और एक आर्म सीधी की सीधी छोटी है, एक आर्म बड़ी है दूसरी आर्म छोटी है। इसका अगर आपको शेप देखना है तो इसका शेप जो होता है वो जे शेप्ड होता है। जे शेप मतलब आप समझे, जे में ये छोटा होता है ये बड़ा होता है। इसका आर्म रेशियो, इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका आर्म रेशियो मैक्सिमम होता है, ये बात आपको याद रखिए। अगर आप इसको समझना होती है, हाँ पढ़ा है, हाथ कट जाए तब ये हाथ काफी बड़ा है, छोटा आर्म रेशियो जाहिर सी बात ज्यादा होगी। इसका जो चौथा टाइप है, अगर आप चौथा इसका टाइप देखें तो इसका जो चौथा टाइप उसे हम लोग टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ये देखिए टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, ये इसका चौथा टाइप है। इस टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम को अगर आप देखना चाहें, सिंपल से इसकी लैंग्वेज लिख दीजिए, इसका शेप पहले लिख दीजिए कि ये आई शेप्ड होता है। कैसा शेप होता है, आई शेप्ड होता है। आप इसका फिगर यहां पर बना दें, ये आर इसकी खूब बड़ी कर दीजिए, दूसरी आर इसे छोटी सी कर दीजिए, लिख दीजिए सेंट्रोमियर लोकेटेड एट वन साइड ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम है उसके किसी एक साइड में क्रोमोसोम के आपको ये दिखाई पड़ेगा, और इसका जो शेप है किस शेप का है, आई शेप्ड है। तो अगर आप देखें तो ये पहला मेटासेंट्रिक है जिसका शेप वी शेप्ड है, सब मेटासेंट्रिक शेप यल शेप्ड है, एक्रोसेंट्रिक का शेप जे शेप्ड है, और टीलोसेंट्रिक का शेप आई शेप्ड है,
ध्यान रखिए स्पेस इंटरवियर बीचों बीच है, स्पेस सेंटर से थोड़ा सा बाहर है, इसमें एक आर्म काफी छोटी एक आर्म काफी बड़ी है, मतलब आउट है। और चौथा है जो आई शेप्ड है, एक तरफ आर्म है दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। ये जो आपको चार टाइप पढ़ाया गया, ये चार टाइप पढ़ाया गया पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर। अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन के आधार पर देखें कि क्रोमोसोम कितने तरह के होते हैं, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के आधार पर क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं। पहला देखिए, एक क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। आपको ऑटोसोम्स लिखना है, सीधा सीखिए, डू नॉट प्ले एनी रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब आपको ये समझना है, लड़का होगा लड़की होगी, सेक्स का मतलब आप समझे यहां पर जेंडर से है, तो ये जेंडर में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। अगर आप ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन में ये 22 पेयर क्रोमोसोम है जिन्हें हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। ये बिल्कुल नहीं तय करते हैं कि लड़का बनेगा कि लड़की बनेगा, तो आपको ये टेंशन लेनी छोड़ देनी है कि ह्यूमन में 22 पेयर क्रोमोसोम मतलब 44 क्रोमोसोम है जिनका कोई मतलब नहीं है सेक्स डिटरमिनेशन में। लेकिन एक क्रोमोसोम है जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ये देखिए सेक्स क्रोमोसोम है जो ये तय करते हैं कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। लिख लीजिए, प्ले अ रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन ये तय करते हैं कि लड़का बनेगा कि लड़की बनेगी। अगर आप कभी देखिए तो आप ऐसे लिखते हैं 44 प्लस यक्स, ये क्यों है, फीमेल है। इसमें जो यक्स एक्स है ये सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम है। आप लिखते हैं 44 प्लस यक्स वाई, ये मेल है। लेकिन अगर आपसे पूछे यक्स इसमें जो है डिटर्मिनेंट एक वाई, तो आप कहिएगा वाई क्रोमोसोम इज सेक्स डिटर्मिनेंट क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम इज, ऐसे लिखते जाओ बेटा, सेक्स डिटर्मिनेंट क्रोमोसोम। वाई अगर है तो लड़का होगा, वाई नहीं है तो लड़की होगी। मतलब वाई तय करता है कि लड़का बनेगा कि लड़की बनेगी। आपसे क्वेश्चन आता है कि एक परिवार है, एक जोड़ा है जिसके तीन बेटियां हैं, चौथे बच्चे का क्या चांस है। तो जैसे आप टॉस उछालते हैं उसमें हेड और टेल आने के 50-50% चांस होते हैं, उसी तरह से जब बेबी जो होता है लड़का बनेगा लड़की बनेगा, इसका जो जिम्मेदार है वो कौन है, वो प्रोबेबिलिटी तय करती है। 50% प्रोबेबिलिटी रूल चलता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो लड़का बन सकता है लड़की बन सकता है, 50% दोनों के चांस है। अगर आप ध्यान से देखें तो वाई क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स डिटरमिनेंट क्रोमोसोम है। वाई मेल के पास है, फीमेल के पास नहीं है। लेकिन हमारे समाज में महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है कि इनको लड़कियां हो रही लड़के नहीं हो रहे हैं, जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो दोषी कोई नहीं है, दोषी है प्रोबेबिलिटी का, कोई भी दोषी नहीं है। इक्विवेलेंसी का मामला है, प्रोबेबिलिटी है। टॉस जैसे उछालते हैं चांस आता है कि लड़का हेड आएगा टेल आएगा, उसी तरह से लड़का लड़की बनते हैं। तो 44 क्रोमोसोम है, 44 क्रोमोसोम है जिनका सेक्स डिटरमिनेशन से कोई रोल नहीं है, लेकिन एक जोड़ी क्रोमोसोम है XX और XY जो सेक्स को तय करते हैं, खास करके उसमें वाई क्रोमोसोम तय करता है। आपसे कई बार ये पूछा जाता है, आप इसका पूरा ध्यान रखेंगे।